वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। एलजेब्रा के हम पार्ट 5 डिस्कस कर चुके हैं, आज हम एलजेब्रा का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है ये सीजीएल 2014 के प्री के सेट्स के क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो देखते हैं, जो लेक्चर ये पहली बार देख रहा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को सीक्वेंस पे पार्ट 1 से पार्ट 5 तक देखें, उसके बाद ही पार्ट 6 देखें, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन था सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने लिखना था कि क्या बनेगा इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो। अच्छा देखो, अगर इस इक्वेशंस पे ऊपर मैं एक्स को 1 डाल दूँ, ठीक है, एक्स को 0 में डाल नहीं सकता। क्यों? एक्स को मैंने 0 डाला तो मैंने क्या बताया आपको, कभी भी क्या है डिनोमिनेटर पे 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है आपका 1/0, दैट इज योर इंफिनिटी, तो उससे आपका आंसर नहीं आ पाता है, क्लियर। हाँ, न्यूमरेटर को आप 0 जरूर बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, दैट विल रिमेन एज 0। तो अगर मैं एक्स को यहां पर 1 डाल देता हूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन, 1 - 1 इज 0, तो ये क्या बन जाएगा √1, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया 1 प्लस, एक्स को मैंने 1 डाल दिया तो हो जाएगा 1 - 1 / -2 × 1² 1 - 1 इज 0, 0 का होल स्क्वायर इज 0, और √1 कितना होगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, क्लियर। इसका मतलब यह है कि एक्स को अगर मैं 1 डालता हूं तो ये इक्वेशन किस पे रिड्यूस होता है, 1 पे, तो सेम इसी के लिए भी ट्रू होना चाहिए। देखो एक्स को अगर मैं यहां 1 डालू तो ये क्या हो जाएगा √1 + 1, दैट इज 2 by √2/2, दिस इज इक्वल टू 1 by √2। इसका मतलब ए मेरा आंसर नहीं है। ओके, एक्स को 1 यहां पर डालू तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2 - 1/2, ये क्या है मेरा 1। ओके, एक्स को अगर मैं 1 यहां पर डालू तो 1 - 1/2, दिस कम आउट टू बी 0, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। x को 1 मैं इधर डालू तो ये क्या होगा मेरा 1 + 1/2, दिस कम आउट टू बी माय 1, इसका मतलब अब मेरे पास दो ऑप्शन रह गए, या तो ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा या तो ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये तो मैंने x को क्या करा 1 डाल के एलिमिनेट कर दिया, और ये जो मैंने एलिमिनेशन करा इसके लिए मुझे पेन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मैं विदाउट पेन इसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, जो कि मैंने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसी आपको क्लैरिटी हो इसलिए मैंने पेन यूज किया है, ठीक है। मतलब x को 1 डालने में मैं दो ऑप्शन के साथ रह गया जो कि मुझे 1 1 दे रहे हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि दोनों में से आंसर कौन सा होगा, क्लियर। कोई नहीं, आप x को क्या करो 2 डाल के देख लो। वैसे तो आपको पता है x इज इक्वल टू 1 डालने में आप x को 2 डाल लो, ठीक है। अब a और d आपने नहीं चेक करना क्योंकि a और d आप एलिमिनेट कर चुके हो। x को अगर मैं 2 डालता हूं तो ये क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा मेरा 1 + 2^4, दैट इज 16 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये −2 × 2² 4² होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या होने वाला है आपका, इसे यहीं पे सॉल्व करो, आपको विजिबिलिटी ना हो शायद, देख लेते हैं, कोई नहीं। ये कितना हो जाएगा देखो 1 + 15² कितना होगा आपका 225 अपॉन
64 8 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करा तो ये 64 यहाँ पर आ गया, 64 प्लस 225 कितना होगा 289 ओवर 64, और 289 ये हो जाएगा आपका 289 अपॉन 64, दैट इज इक्वल टू 17/8, क्लियर 17/8। एक्स को 2 आप यहां पर डालो तो ये क्या बनेगा आपका 2 की पावर 4, दैट इज 16 प्लस 2 इंटू 4, 2 की पावर 2 इज 4, तो 16 प्लस 8 माइनस 1 अपॉन 8, ये क्या बन जाएगा आपका 23/8। मीन्स माय बी इज नॉट माय आंसर, आप एक्स को 2 यहां पर डालो तो ये क्या बन जाएगा 16 प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 17/8, क्लियर। इससे आप क्या सीखे, अच्छा इससे आपको ये पता चल गया कि कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो, अब आपको सिंप्लीफिकेशन सीखने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के अगर आप बुक खोलो तो वहां पे 50 क्वेश्चन है, 50 टाइप है, बट अगर आपको ऐसी क्लैरिटी बन जाती है एक बार तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया, आप यहीं पर सीख गए कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। कोई भी इक्वेशन आए आप, आपको 100 मेथड याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप इन्हीं नंबर के साथ खेलना सीखो। एक बार आपको नंबर के साथ परफेक्शन हो गया तो एलजेब्रा आपका वहीं पे खत्म हो गया। आप चाहोगे कि एलजेब्रा के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए, क्यों, क्योंकि आपको पता है एलजेब्रा तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, क्लियर। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इफ, अच्छा इस पे एक और चीज बताना मुझे, देखो इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और कोई कॉन्स्टेंट नहीं लगा है, इसका मतलब मैं ए को, ए बी सी को कुछ भी मान सकता हूं। ठीक है, अब टेंडेंसी क्या होती है हम लोगों की बच्चों में, वो ऐसा मानते हैं मैंने मान लिया ए को 1 माइनस 1, बी को 0 और सी को 1, मैंने बोला माइनस 1 प्लस 1 प्लस 0 0, मैंने बोला इक्वेशन सेटिस्फाई है, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं मेरा आंसर आ जाएगा। बट नहीं, इससे एक चीज गलत कर रहे हो आप, क्या अगर आप इस ऑप्शन में डालो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, वैल्यू पुट करो 3 इंटू माइनस 1 इंटू 0 इंटू 1, तो आप इसे भी क्या बना दोगे, ये भी आपका 0 बनता है। ठीक है, तो इस अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो मल्टीप्लिकेशन में, अगर आप एक भी जीरो यूज कर लेते हो, अगर ऑप्शन में मल्टीप्लिकेशन है डिजिट पे और आप एक भी जीरो यूज कर लेते हो और ऑप्शन एक और जीरो वाला है, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। क्यों, अगर आंसर 3abc होगा और आपका आंसर 0 निकल के आएगा तो आप 0 टिक करोगे, आप 3abc को टिक नहीं करोगे, जबकि 3abc भी वो आंसर हो सकता था। ठीक है ना, इसलिए मैं क्या प्रिफर्ड करूंगा, मैं बोल देता हूं कि आप ऐसा मान लो, आप क्या मान लो, ए को 2 मान लो, बी को माइनस 1 मान लो और सी को क्या मान लो, माइनस 1। इससे ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। अब ये ऑप्शन डालने में मेरे सारे ऑप्शन क्या है, यूनिक है, मतलब ये डाल के जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। अगर मैं ये ऑप्शन पुट करने में मेरा ऑप्शन आता है 6 तो मेरा आंसर क्या होगा, ए। अगर ये ऑप्शन पुट करने में मेरा आता है 0 तो मेरा आंसर क्या होगा, 0। जबकि ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं और ऑप्शन आता है 0 तो मेरा आंसर ए भी हो सकता था, मेरा आंसर सी भी हो सकता था। ठीक है, इस केस को आप ध्यान से याद रखना, क्लियर। छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों को आपको सीखना है, क्लियर। तो मैंने क्या बोला, मैं ए को 2 पुट करूंगा, बी को माइनस 1 पुट करूंगा, सी को माइनस 1 पुट करूंगा, मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके इसे पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। बी कितना है, माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस 1।
सी का क्यूब, सी का क्यूब क्या रहेगा, माइनस वन ही रहेगा, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस वन। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी मतलब माइनस टू माइनस वन, ये कितना हो गया वन, वन का क्यूब क्या होगा, वन ही होगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका, प्लस का वन। ओके, प्लस बी प्लस सी माइनस वन माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू, माइनस टू का क्यूब माइनस वन बाय एट, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका, माइनस का वन बाय एट। ठीक है, प्लस सी इज योर माइनस वन, ए इज योर टू, टू माइनस वन वन, वन का क्यूब इज वन, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका, प्लस वन। ठीक है, तो देखो ये और ये कैंसिल आउट, ये सारे कैंसिल आउट, तो ऑप्शन क्या है मेरे पास, जीरो। हाँ, अब मैं श्योरली बोल सकता हूं कि आंसर क्या है मेरा, सी। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो अब वही वाला क्वेश्चन, इससे पहले पार्ट में जो डिस्कस भी कर चुका हूं मैं आप लोगों से। ठीक है, देखो क्या बोला है, बोला है एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर, अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर इस तरीके से, और यहां पे अगर क्वाड्रेटिक में लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से मेरा क्या मुझे पता चलता है, यहां से मुझे पता, इस एक्स को मैं यहां पे ले गया तो मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या है मेरा, एक्स है। क्लियर, अब देख लो इस इक्वेशन को लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कितना है, x प्लस ये 3x रह गया अपॉन, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह मैं क्या डालूंगा, x प्लस 7x, तो ये क्या हो गया मेरा 4x अपॉन 8x, और ये कितना हो गया मेरा 1/2, ऑप्शन सी। क्लियर, सिंपल सा प्रॉब्लम था बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। देखो क्या है, बोला है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है एंड 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू क्या है मेरा, ये भी मेरा 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, ठीक है, अब यहां पर देखो आप, ये आपको थोड़ा सा मिक्स्ड है, इसे आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, एलसीएम लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 4, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 4 ही गिवन है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स वाई, मैं एक्स वाई को इधर ले गया, 4 से 4 कैंसल आउट, तो मेरा एक्स वाई कितना आ गया मेरे पास, एक्स वाई आ गया मेरे पास 1। क्लियर, मैंने इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करके रख लिया अपने पास। ओके, अब पहले इक्वेशन को यूज करता हूं मैं, देखो मुझे पता है एक्स प्लस वाई कितना गिवन है मुझे, एक्स प्लस वाई मुझे गिवन है 4 के बराबर। अब देखो मुझे इस इक्वेशन का क्यूब चाहिए, क्योंकि क्यूब की वैल्यू है, तो मुझे पता है मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तभी तो एक्स के पास पावर 3 आएगा और वाई के पास पावर 3 आएगा, तो क्यूबिंग बोथ साइड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, दैट इज 64।
4। इसे सिंपलीफाई करो तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है, ये निकाल रखा मैंने 1 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 64। तो आपका क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस 64 माइनस 4 3 जा 12, दिस कम आउट टू बी योर 52। ऑप्शन डी। क्लियर क्लियर हो ही गया होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, बोला है क्या, बोला है देखो, बोला है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो, इन तीनों का सम क्या है, 2 है, और 2 के प्रोडक्ट करने के बाद ये क्या है, 1 बन रहा है। अच्छा अब देखो, अगर मैं यहां पर मैं ऐसा मान लू कि अगर मैं ए वन हो बी वन हो तो 1 इंटू 1 मेरा 1 बन जाएगा, प्लस एक सी को अगर मैं 0 ले लूं तो ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, और ये पूरा कितना आएगा, फिर ये कितना आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 1। क्लियर, समझ में आ गया कैसे मैंने लिया। अच्छा इससे मुझे पता चल गया कि यार मैं मुझे ए को क्या लेना है, 1 लेना है, बी को क्या लेना है, 1 लेना है, और सी को क्या लेना है, 0 लेना है। तो देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 0 इज 2, इसका मतलब मुझे वैल्यू मिल गई, जो वैल्यू चाहिए थी मुझे, बस इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये कितना आ गया आपका 6। 6 मतलब ऑप्शन बी। क्लियर, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया आपको ये कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है, देखो अभी तक मुझे ऐसा वाला अभी तक मैंने क्वेश्चन देखा था, एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू समथिंग, तो मैं उससे रिड्यूस कर रहा था। अब देखो, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया यहां पर। अब मुझे क्या दे रहा है, ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रहा है, बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, बोलता है ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका सॉल्व हो रहा हो, जैसे कि ये वाला आपका सॉल्व हो रहा है, तो क्वेश्चन सिंपल है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके रूट में जाता है, तो आपको नीचे वाले में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, जो जो वैल्यू निकालनी है उसी में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हिसाब से। बट यहां पर तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई गेस सॉल्व हो रहा है, चलो देखते हैं। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, x प्लस
3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू या तो -3 होगी या x की वैल्यू मेरी -1 होगी। इन दोनों में से एक होने वाली है, या तो x की वैल्यू मेरी -3 होने वाली है या तो x की वैल्यू मेरी -1 होने वाली है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं -1 को ही पुट करूंगा। -3 को पुट करके मैं अपने कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाऊं, -3 की पावर 6 में क्यों कैलकुलेट करूं, है ना। तो इसका मतलब मैं x को अगर -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो x इज इक्वल टू -1 को इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x को आप -1 पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 अपॉन -1 की पावर 6 प्लस 27 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 27। ये कितना आ जाएगा आपका, -27 प्लस 27, दिस विल कैंसिल आउट। ये क्या रह जाएगा आपका, -1। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। क्लियर क्लियर, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस को फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया है कि मार्च एंड तक मुझे सिलेबस मैथ्स का पूरा कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने पढ़ने की स्पीड को थोड़ा पेस अप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे लास्ट पे 15 दिन भी मिल जाता है तो 15 दिन पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, आपका रीजनिंग मैं आपको 15 डेज में फिनिश कर दूंगा। और इतना तो है, 15 डेज में आप रीजनिंग प्रैक्टिस भी करो तो आपके 45 नंबर रीजनिंग पे कहीं नहीं जाते हैं। क्लियर। बाकी स्ट्रेटजी के लिए जो मेरी वीडियो है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC CGL 2016, उस पर मैंने आपको एक थॉरो स्ट्रेटजी बताई है प्री के लिए, ठीक है। जब मेंस पे आएंगे तो हम उसे भी मेंस के लेवल पे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। बाकी आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। बाकी फेसबुक ग्रुप भी है मेरा, कौन सा ग्रुप है, ऑनलाइन गुरुजी, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उस पर बाकी स्टूडेंट्स भी है, ठीक है। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपस में प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं अपने। ऑनलाइन गुरुजी पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको एलजेब्रा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो वीडियो के नीचे ही कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के, ठीक है। उसी के हिसाब से मैं अपने वीडियो पे भी चेंजेस लाऊंगा। क्लियर। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप भी अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क कीजिए। ओके, थैंक यू।